अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आप सब लोग जानते हैं कि हम बसेस रिव्यू पे और बसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो डिफरेंट है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि एक प्रोफेशनल बस ड्राइवर बनना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक ऐसे बस ड्राइवर की कहानी जिसने अपना बस ड्राइविंग का शौक़ पूरा करने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें। आज जिस बस ड्राइवर की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इनके बारे में ये बताता चलूं कि इन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बस ड्राइवरी स्टार्ट की और ये अपने इलाके के नंबरदार भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ बस ड्राइवर सुहेल अहमद की। इनकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और हैरान कन है। इनकी स्टोरी कुछ यूं है कि इन्हें बस ड्राइविंग का बहुत शौक था। हर बाप की तरह चौधरी सुहेल अहमद साहब के वालिद की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। सो इन्होंने चौधरी साहब को पढ़ाया लिखाया, टाइपिंग का शॉर्ट हैंड कोर्स करवाया और चौधरी साहब को 1988 में बा अदालत जनाब सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन पंजाब लाहौर में टाइपिस्ट यानी स्टेनो भर्ती करवा दिया। लेकिन चौधरी सुहेल अहमद साहब का तो बस एक ही जुनून था कि बस ड्राइवर बनना है। अपनी बसें होने की वजह से चौधरी साहब अब्बू से चोरी बस ड्राइवर बन चुके थे और यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार चौधरी साहब का जुनून जीत गया और चौधरी साहब ने 1998 में बाकायदा नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपने शौक को जारी रखा, जो अभी तक जारी है। पहले इन्होंने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नी लाहौर में जॉब की, इसके बाद न्याजी एक्सप्रेस बस सर्विस में 1999 से 2011 तक जॉब की, इसके बाद बिलाल ट्रैवल में 2011 से 2015 तक जॉब की और इसके बाद स्काईवेज में 2015 से 2020 तक जॉब की और 2020 में फैसल मूवर में जॉब स्टार्ट कर दी और इस वक्त कॉमेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज अ ऑपरेशन मैनेजर जॉब कर रहे हैं। 2014 में चौधरी साहब के वालिद की वफ़ात की वजह से चौधरी साहब अपने गांव के नंबरदार भी बन गए, लेकिन इनका शौक आज भी अपनी जगह पर कायम है। जब मैंने इनसे सवाल किया कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़कर ये शोभा क्यों चुना, तो इन्होंने नहायत इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि बच्चे, शौक का कोई मोल नहीं और वैसे भी जहाँ जहाँ और जैसे जैसे मालिक ने रिस्क लिखा है वो वैसे ही खाना होता है, बंदे के अपने बस में कुछ नहीं होता। मुझे अपने फैसले पर बिल्कुल कोई पछतावा नहीं क्योंकि अब मेरा शौक मेरा जरिया माश है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी चौधरी सुहेल अहमद साहब की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई होगी। हमें कॉमेंट्स में बताइएगा कि क्या मज़ीद हम इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।